हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं प्रश्न और इनके सॉल्यूशन के पास। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है इलेक्ट्रो पोटेंशियल सिल्वर का और हमें गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिल्वर सल्फेट के लिए और हमसे पूछा हुआ है मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड अनायन का हाफ सेल रिएक्शन देखना। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, हमें सबसे पहले क्या गिवन है, ये सिल्वर सल्फेट होगा Ag2SO4, किस हिसाब से ये डिसोसिएट होगा, इट विल फॉर्म ट्वाइस ऑफ Ag+ में सल्फेट। अच्छा, हमें ना दो हाफ सेल गिवन है, सिल्वर का और एक दूसरा का। तो देखिए हमें पता लगाना है कि रिएक्शन ये ओवरऑल बनाने के लिए हम उनको कैसे कैसे यूज करें। हमें यहाँ पर क्या देख रहे हैं, Ag+, इसका मतलब जो सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड होगा वो क्या बना रहा होगा, Ag++ में इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा होगा। अब जो हमारे पास मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड अनायन वाला हाफ सेल है, तो आप देखिए उसका मतलब उसमें रिएक्शन क्या हो रही होगी, दिस वन के ट्वाइस ऑफ Ag+ में सल्फेट। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या चल किया पता कि ओवरऑल रिएक्शन में जो n की वैल्यू है या कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने हैं वो, n की वैल्यू 2, n हमें चल गया पता। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन से Ks भी गिवन है ना, हमें Ks भी कितना गिवन है, 10^-5। तो ये काम करते हैं, लेट्स कैलकुलेट द E0 सेल। E0 सेल हमें गिवन है, देखो E0 सेल का एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज 0.059/(n)log Ks। एन की वैल्यू पता है हमें कितनी है, 2, Ks भी पता है कितना है, 10^-5। तो जब हम पुट करेंगे ना, तो E0 सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -0.15। ओके, अब हमें चल गया पता है E0 सेल कितना है। अब हमें करना क्या है, जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए E0 सेल वो किसके इक्वल होगा, E0 ऑफ Ag से Ag+, हमें देखना ना, Ag से Ag+ फॉर्म हो रहा है, प्लस में E0 ऑफ सल्फेट Ag2SO4 एंड सिल्वर। ठीक है, देखिए ये वाला एक्सप्रेशन हम तब लिखते हैं जब हमारे पास जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला इलेक्ट्रोड है ना, उसमें क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो। तो पहले आयन आता है, फिर हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट आता है, या इनसॉल्युबल सॉल्ट आता है, और फिर बाद में बारे आती है किसकी, मेटल। तो हमें देखिए Ag+ से Ag का E0 वाली वैल्यू दी बनती है। यहां पर हमारे पास एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, Ag से Ag+, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, है ना, -0.80 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी है, -0.15। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, तो आप जब इसको यहां पर लेके आएंगे तो हमें चल रहा है पता क्या वैल्यू आ गई, 0.65 वोल्ट्स, एंड हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट।